नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमने सेशन लिया है वो कन्फ्यूज़न होता है कि हम जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है बीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा काउंसलिंग के ड्यूरेशन में, तो क्या हम उस कॉलेज को ड्रॉप कर सकते हैं, उसके जगह दूसरा कॉलेज ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेरीज आई हैं कि हम क्या कॉलेज उसको छोड़ सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉलेज है क्या उसको चुनने के बाद हमें अगर दूसरा कॉलेज चुनते हैं तो वो हमारा कॉलेज छूट जाएगा। तमाम प्रकार की जो है क्वेरीज जो हैं वो पूछी गई हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी से भी रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं लास्ट में एक नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो वो आपके थर्ड ईयर के सर हैं, ठीक है, प्रिंस सर हैं, प्रिंस नाम है, तो GSRM के हैं। तो ये आप कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं इनका नंबर भी आपको दे दे रहा हूँ अभी। तो ये आप एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है स्पेशली बीएलएड वाला स्टूडेंट के लिए, हर एक ग्रुप वाइज सेक्शन बनाया गया है। तो आप इनसे बात करेंगे, आप इनको जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या फिर आपको अगर कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली बिना क्वेरी का आप बिल्कुल भी मैसेज या फिर बिल्कुल भी कोई कॉल ना करें, ठीक है। मैं एडवाइस दूंगा, अगर आपकी क्वेरी है वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन नहीं सॉल्व होता तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में भी अगर आपको समझ में नहीं आती वो चीज़ें तो डेफिनेटली मैं एडवाइस दूंगा कि आप इनको कॉल कर लीजिएगा, और कॉल करने के बाद डेफिनेटली वो सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो मैं इनका नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो इनका जो प्रिंस सर का जो नंबर है वो है 7070847066, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 7084607366। तो इस पर आप कॉल करके जो भी आपकी क्वेरी हो, अगर वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता डेफिनेटली आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली वो चीज़ें बता देंगे। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। और दूसरी बात कि हमने काउंसलिंग करवा ली, आपको पता होगा कि काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है बीएलएड का। इसके बाद अब हमें कॉलेज जो है, हमने कॉलेज चुना, कॉलेज भी हमने चुन लिया है, और कॉलेज जो है अलॉट भी हो गया है। और फाइनल सबमिशन होने के बाद भी हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है, कई के मन में होता है कि हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हम कॉलेज चेंज करते हैं तो क्या हमारा, मान लीजिए कि हमें वो कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या हमारा जो पुराना कॉलेज जो हमें अलॉट हुआ है वो हमें मिलेगा, या फिर वो भी हमें छूट जाएगा, या फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इस प्रकार से। तो तमाम प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्वेरीज आई हैं। तो डेफिनेटली मैं बताऊँगा कि अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन के माध्यम से जो है कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि कॉलेज को आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस हैं, कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे हमें जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम ये भी वीडियो डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या क्या साथ में लेके जाना है, तो उसको हम अगले वीडियो में हो सकेगा या फिर इसी वीडियो में हम डिस्कशन कर देंगे कि हमें एडमिशन के वक्त कब जाना है, कहाँ पर जाना है, और सेकेंड अलॉटमेंट सीट कब आएगी। तमाम प्रकार की जानकारी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि अगर मिला कॉलेज पसंद ना आए तो क्या करें। तो शुल्क जमा करके चुन सकते हैं दूसरा विकल्प, ठीक है। आप पहले पेमेंट कीजिए, पहली बात तो आपको 4000 जमा करना है, ठीक है, जो पहले हम बताते थे 40000 जमा करना है। तो पहले आपने 1200 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई, पहली बात तो काउंसलिंग आपने कितना करवाया, काउंसलिंग देकर आपने 1200 रुपये करवाया। अब इसके बाद हमें कॉलेज अलाट हुआ है तो अब आपका 4000 रुपये लगेगा, ठीक है। 4000 रुपये देकर आप वहाँ पर सीट जो है अपनी बुक करवा सकते हैं। अब वो सीट बुक कब होगी, कब तक होगा, तो क्या होता है देख लीजिए, 4000 आपको देना है। अब अगर आप अपनी सीट कंफर्म करवाना चाहते हैं तो 4000 रुपये आपको जमा करना होगा, जिससे आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, आप जैसे ही पैसा 4000 रुपये जमा करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा अपग्रेडेशन का, ठीक है, अपग्रेडेशन का आ जाएगा, UPGRADATION, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो आप उसके माध्यम से अपना कॉलेज जो है प्रिफ्रेंस चुन सकते हैं, तो वहाँ पे दूसरा कॉलेज आप चुन सकते हैं। अगर उसमें खाली रही सीट डेफिनेटली आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर उसमें सीट खाली नहीं रहती है, मतलब एम्प्टी नहीं रहती है, डेफिनेटली आपको वही पुराना कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए भी देख लेते हैं। देखिए, जिन अभ्यर्थियों को पहली पसंद आवंटित नहीं की गई है वे अपग्रेडेशन के विकल्प चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पहला हमने कॉलेज कोई और चुना था, लेकिन हमें वो कॉलेज हमें अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन हम दूसरा कॉलेज चाहते हैं, तो आप लोग उस अपग्रेडेशन के माध्यम से दूसरा कॉलेज चुन सकते हैं। और अपग्रेडेशन की सुविधा जो है वो केवल उनको होगी जो सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा करते हैं, ठीक है। यानी 4000 रुपये आप जमा कर देंगे तो आपको एक अलग से ऑप्शन दिखाएगा जिसमें अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। दूसरी बात कि उन्हें विकल्प देना होगा कि क्या वे आवंटित विषय या कॉलेज को बनाए रखना चाहते हैं या फिर अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो आपको दो ऑप्शन देंगे कि क्या आप इसी कॉलेज को अपना प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, यानी आप इसी कॉलेज में अपना सीट कंफर्म करना चाहते हैं, या फिर इस कॉलेज को चेंज करके कोई दूसरा कॉलेज लेना चाहते हैं। देखिए, बाय द वे मैं बताना चाहूँगा एक बार यहाँ पे फिर
कि अगर उस कॉलेज में सीट खाली रहती हो तो डेफिनेटली आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और बाय द वे बाय चांस हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि सीट ना कुछ तो खाली रहती है हर कॉलेज में। अगर नहीं होता, बाय चांस अगर नहीं होता है, तो डेफिनेटली जो आपका पुराना कॉलेज जो आपने अलॉट करवाया था वही आपको मिल जाएगा। इस तमाम प्रकार की दिखते हैं। अगला क्या है हमारा कि अपग्रेडेशन में उन्हें उच्च प्राथमिकता के लिए एक विषय, एक कॉलेज, रिक्ति के आधार पर एक विषय, एक कॉलेज आवंटित किया जाएगा, और कम प्राथमिकता वाले विषय कॉलेज को आवंटित नहीं किया जा सकता। अपग्रेडेशन या और दूसरे आवंटन का परिणाम 15 अक्टूबर को आएगा, ठीक है। आप 4,000 रुपये जमा कर दीजिए, ठीक है। 4,000 रुपये जमा करने के बाद 15 अक्टूबर को आपको बताया जाएगा कि आपका जो पहला प्रेफरेंस जिस कॉलेज को आपने डाला था वो आपका अलॉट हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। अगर आप अलॉट हो जाएगा तो उसके माध्यम से आप वहाँ पे जाइए, डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे एडमिशन करा लीजिए। अदरवाइज़ अगर उसमें खाली नहीं होती है तो आपको बता दीजिएगा आपका पुराना ही कॉलेज आपको अलॉट कर दिया गया है। तो इस तमाम प्रकार की आप देखते हैं कि अनलॉक पोर्टल से शुल्क जमा कैसे करें, ठीक है। तो विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है उन्हें अनलॉक पोर्टल के माध्यम से सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा करना होगा, और जमा की जाने वाली फीस का विवरण काउंसलिंग दिशा के निर्देशों में दिया गया है। सीट कन्फर्मेशन शुल्क को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से 8 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किया जा सकता है, और सीट कन्फर्मेशन फीस 12 अक्टूबर, ठीक है। सीट कन्फर्मेशन आपको जो है वो लास्ट डेट, क्योंकि आज 10 तारीख है, तो 12 तारीख तक आप सीट कन्फर्मेशन की फीस जो है वो जमा कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर को 12 बजे यानी आधी रात तक आप जमा कर सकते हैं, यानी 12 अक्टूबर को 12 बजे रात तक आप जो है सीट कन्फर्मेशन जो 4,000 रुपये होता है उसको जमा कर सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि अगर अभ्यर्थी समय पर सीट कन्फर्मेशन फीस जमा नहीं करता है तो उसका आवंटन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी है कि पहली बात, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आप पहले सीट कन्फर्मेशन का जो 4,000 रुपये फीस होता है पहले उसको जमा कर दीजिए, ठीक है। जमा करने के बाद आपको दो ऑप्शन देगा कि क्या आप इसी कॉलेज के साथ संतुष्ट हैं, क्या आप इसी कॉलेज में अलॉटमेंट करना चाहते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा अपग्रेडेशन का। तो अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको प्रेफरेंस वाइज डालना है कि मुझे ये पहले कॉलेज, ये वाला कॉलेज मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप उस कॉलेज को नाहों पर डाल करके अनलॉक कर दीजिए, ठीक है। अनलॉक करने के बाद आपको 15 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा कि आपका वो कॉलेज मिला है या फिर नहीं। अगर नहीं मिलता है तो आपका पुराना वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 4,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। अब बात करते हैं कि शुल्क कैसे जमा करें। 4,000 रुपये आप ऑनलाइन पोर्टल पे जो कि BELED का है उसको भी अगर आप कहते हैं, आपकी डिमांड अगर आती है कि किस प्रकार से एक 1x1 स्टेप करके बताइए, तो मैं डेफिनेटली उसको बताने की कोशिश करूँगा। देख लेते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि जिन अभ्यर्थियों को पहली पसंद आवंटित नहीं की गई है वे अपग्रेडेशन का विकल्प चुन सकते हैं। अपग्रेडेशन की सुविधा केवल उनको होगी जो सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा करते हैं, वही बात है 4,000 रुपये जमा करते हैं। उन्हें विकल्प देना होगा कि क्या वे आवंटित विषय या फिर कॉलेज को बनाए रखना चाहते हैं या फिर अपग्रेडेशन के माध्यम जाना चाहते हैं। अगर आप अपग्रेडेशन में उन्हें उच्च प्राथमिकता के एक विषय या एक कॉलेज, रिक्ति के आधार पर एक विषय या कॉलेज को आवंटित किया जाता है, मतलब आप किसी एक कॉलेज को चुनते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज, ठीक है, तो कम प्राथमिकता वाले विषय कॉलेज को आवंटित नहीं किया जा सकता, और अपग्रेडेशन दूसरे आवंटन का परिणाम 15 अक्टूबर को आएगा। अब जो है प्रेफरेंस वाइज, पहले आप जिसको जो कॉलेज आप चाहते हैं, मेरे मानिए तो एक या दो कॉलेज, ठीक है, अगर आपको लगा है बहुत बुरा कॉलेज आपको मिल गया या फिर वहाँ पे आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप दो कॉलेज डाल दीजिए, तो प्रेफरेंस वाइज आपको पहला या दूसरा कॉलेज में से मिल जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि ऑनलाइन पोर्टल से शुल्क जमा करने की वही चीज़ें हैं कि विश्वविद्यालय प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश वाती वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो, डेफिनेटली कोई क्वेरी हो, तो आप प्रिंस सर को कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल मैं कहूँगा कि लास्ट ऑप्शन है, पहले आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है, अगर वहां से रिप्लाई नहीं आता है तो कॉल कीजिए, ठीक है, पहले उनको बात कीजिए कि सर हमारी इस प्रकार की सुविधा है। अगर पहली बात तो मैं प्रेफरेंस कहूंगा कि आप पहले कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे। अगर बाय द वे नहीं दे पाते हैं तो डेफिनेटली आप उनको मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आप क्वेरी पूछिए, वो रिप्लाई देंगे। नहीं देते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, पहले पूछ लीजिएगा सर आपका खाली है तो मुझे जानकारी चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम प्रकार की जानकारी जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे ग्रुप में भी ऐड होना चाहे तो ऐड हो सकते हैं। और इससे संबंधित मैं जल्द ही कई दूसरा वीडियो लगाऊंगा कि आपको जो है जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है साथ में, और जो 36,000, ठीक है, 4,000 छोड़कर यानी 36,000 आपको एक्स्ट्रा जमा करना है, और कॉलेज वाले कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी करते हैं, जैसे 10,000 कोई 10,000 जमा करता है, कोई 12,000 लेता है, तो उसको भी हम एक एक करके अगले अगले वीडियो में बताएंगे। तो आई थिंक आपको ये जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अपग्रेडेशन के माध्यम से आप कॉलेज जो है दूसरा चुन सकते हैं। अगर कोई इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद द, थैंक यू सो मच।